मैं प्रदीप चौरसिया, ओबीसी महासभा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। मित्रों एवं समूचे मध्य प्रदेश वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि मीडिया के मित्रों द्वारा भोपाल से मुझे जो जानकारी हो, जो मेरे पास फोटोज आई हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री साहब ने जो मीडिया के सामने बयान दिया है कि ओबीसी महासभा एवं संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के 27% आरक्षण के हेतु। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ तस्वीरों के माध्यम से जो मेरे पास आई हैं कि भूपेंद्र सिंह साहब ने जो बात कही है उसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ही मंत्री और सदस्यगण बैठे हुए हैं, उसमें महासभा के किसी भी संगठन के लोग नहीं पहुंचे हैं, जो मेरे पास जानकारी अभी तक आई है जिनसे मैंने संपर्क किया है। मैं बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में आज की वर्तमान स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था ना होने के कारण भाजपा कांग्रेस दोनों मिलकर ओबीसी वर्ग को बराबर कुठाराघात करती चली जा रही है। आप ये समझिए कि पंचायती राज में आरक्षण खत्म कर देना कितना बड़ा कुठाराघात है, आपकी पीढ़ियों पीढ़ियां खप जाएंगी। अब आप देखिएगा धनबल बाहुबल के लोग ही चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे, ना ही आपकी महिलाएं लड़ पाएंगी, ना ही आप लड़ पाएंगे। आप देखते जाइए अब आने वाले समय में क्या होता है। अब साथियों आप लोगों से ही मेरा आह्वान है समूचे मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर ओबीसी महासभा जल्द कोई बड़ा निर्णय लेकर, जल्द बड़ी रणनीति बनाकर मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ एवं कांग्रेस के खिलाफ भोपाल में जंगी प्रदर्शन का ऐलान करेगी। कुछ समय इंतजार करिए। धन्यवाद। मैं प्रदीप चौरसिया, ओबीसी महासभा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष। मित्रों एवं समूचे मध्य प्रदेश वासियों को मैं बताना चाहता हूं कि मीडिया के मित्रों द्वारा भोपाल से मुझे जो जानकारी हो, जो मेरे पास फोटोज आई हैं, नगरीय प्रशासन मंत्री साहब ने जो मीडिया के सामने बयान दिया है कि ओबीसी महासभा एवं संगठनों से हमारी बातचीत चल रही है मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के 27% आरक्षण के हेतु। मैं आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ तस्वीरों के माध्यम से जो मेरे पास आई हैं कि भूपेंद्र सिंह साहब ने जो बात कही है उसमें सिर्फ और सिर्फ भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के ही मंत्री और सदस्यगण बैठे हुए हैं, उसमें महासभा के किसी भी संगठन के लोग नहीं पहुंचे हैं, जो मेरे पास जानकारी अभी तक आई है जिनसे मैंने संपर्क किया है। मैं बताना चाहता हूँ मध्य प्रदेश में आज की वर्तमान स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था ना होने के कारण भाजपा कांग्रेस दोनों मिलकर ओबीसी वर्ग को बराबर कुठाराघात करती चली जा रही है। आप ये समझिए कि पंचायती राज में आरक्षण खत्म कर देना कितना बड़ा कुठाराघात है, आपकी पीढ़ियों पीढ़ियां खप जाएंगी। अब आप देखिएगा धनबल बाहुबल के लोग ही चुनाव में हिस्सा ले पाएंगे, आप नहीं ले पाएंगे, ना ही आपकी महिलाएं लड़ पाएंगी, ना ही आप लड़ पाएंगे। आप देखते जाइए अब आने वाले समय में क्या होता है। अब साथियों आप लोगों से ही मेरा आह्वान है समूचे मध्य प्रदेश में इस बात को लेकर ओबीसी महासभा जल्द कोई बड़ा निर्णय लेकर, जल्द बड़ी रणनीति बनाकर मध्य प्रदेश शासन के खिलाफ एवं कांग्रेस के खिलाफ भोपाल में जंगी प्रदर्शन का ऐलान करेगी। कुछ समय इंतजार करिए। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।